हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टॉक गाइस। आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूं एम्ब्रेन वाइज इयोन स्मार्ट वॉच वर्सेस एम्ब्रेन वाइज रोम स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको क्या डिफरेंसेस जो है देखने को मिल जाएंगे। सभी चीजों को हम लोग डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बॉक्स एम्ब्रेन वाइज रोम का और एम्ब्रेन वाइज इयोन का। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे बॉक्स एकदम सेम दिया गया। साइड के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ मेन हाईलाइट फीचर जो है दिया गया, तो यहाँ पे मैं दिखा दूं तो एम्ब्रेन वाइज रोम स्मार्ट वॉच में 1.28 इंच की लूसिड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जबकि एम्ब्रेन वाइज इयोन में आपको 1.69 इंच की लूसिड डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलेगी। बस डिफरेंस क्या है, ये है रेक्टेंगुलर और ये है सर्कुलर, यही डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में दोनों पे आपको 24x700 मॉनिटरिंग 24x700 मॉनिटरिंग ये दोनों में दिया गया। ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी कि SPO2 का सपोर्ट दिया गया, SPO2 का सपोर्ट दिया गया। 60 स्पोर्ट्स मोड दिए गए, 60 स्पोर्ट मोड दिए गए यानी कि दोनों में आपको 60-60 मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन दिया गया, इसमें भी आपको दिया गया। फिटनेस ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकर। साथ ही साथ में 10 दिन की बैटरी दी गई और इसमें भी आपको 10 दिन की बैटरी मिल जाएगी। 3 इनबिल्ट गेम दिया गया और 2 इनबिल्ट गेम दिया गया, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। रोम में आपको 2 दिया गया है, इयोन में आपको 3 दिया गया, तो ये डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। साइड के बारे में बात करें तो साइड में वही सेम देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड में बात करें तो यहाँ कुछ मेन हाईलाइट जो है दिया गया, तो यहाँ पे दिखा दूं मैं कि क्या देखने को मिल जाएगा। तो ये है वॉइस असिस्टेंट, इसमें भी वॉइस असिस्टेंट, बस इन्होंने स्टिकर थोड़ा सा इधर लगा दिया है घुमा के, और कुछ नहीं किया है। 100 वॉच फेसेस इसमें भी देखने को मिल जाएंगे, 100 वॉच फेसेस इसमें भी देखने को मिल जाएगा। इनबिल्ट माइक और स्पीकर, इनबिल्ट माइक और स्पीकर, IP68 दोनों में वाटर रेजिस्टेंस भी सेम मिल जाएगा। और वहीं पे ब्लूटूथ वर्जन के बारे में बात करें तो एम्ब्रेन वॉइस रोम स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल रहा है, एम्ब्रेन वॉइस इयोन में भी आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट जो है दिया गया। और वहीं पे बैटरी एम्पियर को देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। रोम स्मार्ट वॉच में आपको 260 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि इयोन स्मार्ट वॉच में आपको 280 mAh की बैटरी दी गई, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सेम जो है दिया गया, मैग्नेटिक पिन दिया गया, मैग्नेटिक पिन 2 घंटा दोनों स्मार्ट वॉच को चार्ज करना रहेगा। और यहाँ पे देखिए 365 दिन की वारंटी दी गई ऑनलाइन सर्विस, तो कार्ड इसमें है, आप ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कुरियर वाला आएगा आपका प्रोडक्ट ले जाएगा और उसको रिपेयर करके फिर आपको दे देंगे। तो ये ऑनलाइन सर्विस है, ये सभी पे अवेलेबल है। दोनों स्मार्ट वॉच को आपको द फिट ऐप से कनेक्ट कराना होगा, तो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो, साथ ही साथ में प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो एम्ब्रेन वॉइस इयोन को मैं पहले यहाँ पे निकालता हूँ। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगा और वारंटी कार्ड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, तो ये दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको फिलहाल रख देते हैं साइड में। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ये है चार्जिंग कनेक्टर, तो यहाँ पे USB दिया गया है और यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक पिन दिया गया, तो ये इसमें भी मिलेगा और इसमें मिलेगा। फिलहाल अब इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और लेते हैं अपनी स्मार्ट वॉच को। फाइनली दोस्तों, मैंने बॉक्स से इसको निकाल लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ डिज़ाइन आपको ऐसे देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें इनके डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन यहाँ आप लोग देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस जो है आपको देखने को पता चल जाएगा। रोम स्मार्ट वॉच आपको सर्कुलर डायल में दी गई है, जबकि इयोन स्मार्ट वॉच आपको रेक्टेंगुलर डायल शेप में दी गई है। और वहीं पे अगर बॉडी मटेरियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। एम्ब्रेन वॉइस इयोन स्मार्ट वॉच में आपको जो है पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी गई, तो ये जो बॉडी दिख रही है ये पॉलीकार्बोनेट है यानी प्लास्टिक है। और इसमें एम्ब्रेन वॉइस रोम स्मार्ट वॉच में आपको मेटल यानी कि अलॉय बॉडी दी गई, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, आपको नहीं पता चला कि कौन सी मेटल है और कौन सी पॉलीकार्बोनेट। साथ ही साथ में स्ट्रेप के बारे में बात करें तो स्ट्रेप में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये देखिए, दोनों का फ्लेक्सिबल स्ट्रेप दिया गया है सिलिकन का, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि एम्ब्रेन वाइज का स्ट्रेप थोड़ा सा मोटा दिया गया, जबकि वहीं पे एम्ब्रेन वाइज रोम का यहाँ पे थोड़ा सा पतला दिया, ये फील करने में आपको पता चल जाएगा। और वहीं पे बकल के बारे में बात करें तो दोनों का बकल यहाँ पे आपको मेटल का देखने को मिल जाएगा, तो ये देखिए आपको बकल जो है मेटल का दिया गया है। और वहीं पे पीछे के साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट जो है देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये पॉलीकार्बोनेट दिया गया, तो ये आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ देखिए आपको स्पीकर जो है दिया गया, क्योंकि ये ब्लूटूथ कॉलिंग है तो स्पीकर जो है दिया गया। साथ ही साथ में माइक भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया, और यहाँ पे सेंसर जो है दिए गए हेल्थ ट्रैकर्स का। तो फिलहाल ये है फिजिकल ओवरव्यू। अब यहाँ पे इसके डिस्प्ले क्वालिटी को देखा जाए तो हम लोग इसको रिमूव करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो ये रही डिस्प्ले क्वालिटी। और यहाँ पे एक मैं ये दिखा दूँ
कि यहाँ पे जो बटन दिया गया है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई शेप अलग है तो डिज़ाइन तो थोड़ी सी बटन की अलग रहेगी, तो ये डिफरेंस इनके शेप की वजह से है। बाकी अब डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों में यहाँ पे आपको लूसिड डिस्प्ले यूज़ हुई है, तो इसमें आपको 1.69 इंच की डिस्प्ले जो है यूज़ हुई है, जबकि रोम में आपको 1.28 इंच की राउंड डिस्प्ले यूज़ हुई है। दोनों में आपको लूसिड डिस्प्ले का सपोर्ट जो है दी गए। और अब इसको बूट करते हैं, तो ऑन करने के लिए आपको सिंपली ये वाली बटन और दोनों को प्रेस करेंगे तो आपका ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है, थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा और ऑन हो जाएगा, तो ऑन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। तो ये देखिए ऑन हो चुका है, और ये तो बूट हो चुका है, और ये भी देखिए ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों स्मार्ट वॉच बूट हो चुकी हैं, मतलब कि रेडी हो चुकी हैं। तो डिस्प्ले क्वालिटी में यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये देखिए, और ये मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें जो सर्कुलर में दिया है रोम में बेजल्स थोड़ा ज़्यादा दिए हैं, और इसमें भी आपको बेजल्स जो है ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा इनको बेजल्स कम करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने में लगती है। अगर अब यहाँ पे यूआई को फ्रेंड्स चेक किया जाए, तो अगर इसको आप लोग ऊपर से स्वाइप अप करोगे, यहाँ पे ये स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे ये मेनू आएगा, और यहाँ पे ये देखिए, तो ब्राइटनेस जो है दिया गया, तो मैं फुल कर देता हूँ ब्राइटनेस को, और इसका भी देखिए फुल है, तो इसको बैक करते हैं। तो अभी देखिए दोनों में आपके ब्राइटनेस को कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। ये है DND, यहाँ पे टाइमर का सेट दिया है, टॉर्च दिया गया है, सेटिंग, कैमरा सेटर, और यहाँ पे ब्राइटनेस सेम ऐसा आपको रोम में भी देखने को मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको थिएटर मोड का ऑप्शन जो है दिया गया, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है दिया गया, बाकी यहाँ पे सेम दिया गया। अब हम लोग बैक करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इस टाइप से स्वाइप अप करते हैं, तो ये देखिए इसमें ये कुछ आ गया, और इसका मेनू नीचे से आएगा, तो इसमें देखिए डुअल मेनू का इसमें सपोर्ट नहीं दिया गया, जबकि इसमें आपको डुअल मेनू का सपोर्ट दिया गया। तो ये देखिए ग्रिड मोड है, ये देखिए ग्रिड सर्कुलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए मेनू, हम लोग मेनू को चेंज करते हैं, तो ये देखिए इस पे भी आ गया, तो इस पे भी अब लिस्ट वाला आ गया, तो सेम ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो दोनों में यूआई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, और यहाँ सेटिंग वगैरह दिया गया। साथ ही साथ में इन दोनों में आपको वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, और यहाँ सब कुछ सेंसर वगैरह दिए गए। अब यहाँ पे देखिए कॉल का ऑप्शन दिया गया, तो अभी फ़ोन से कनेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से डायल पैड नहीं आ रहा है, ब्लूटूथ कॉलिंग है आप लोग को भी पता है। तो और बैक करते हैं, ये देखिए यहाँ से स्पोर्ट्स मोड आ गया, फ़ोन हेल्थ ट्रैकर्स, तो ये सब कुछ प्लेयर है। नीचे से अगर हम लोग स्वाइप अप करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, तो ये देखिए मैसेज आ गया, और इसमें ये आ रहा है, तो कुछ ऐसा यूआई आपको देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके हेल्थ ट्रैकर्स को हम लोग चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी देखने को मिलेगी और क्या डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हार्ट रेट को चेक करते हैं, तो यहाँ पे हार्ट रेट पे मैं टैप कर दे रहा हूँ, और इसके भी हार्ट रेट को टैप कर दे रहा हूँ, तो हार्ट रेट में देखते हैं क्या डिफरेंस जो है दोनों में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ये देखिए आ गया 74, और इसमें आ गया 72, 73, तो ये देख सकते हो आप लोग कितना डिफरेंस जो आ रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बहुत ही माइनर सा, अब देखिए सेम हो चुका है। तो फिलहाल अभी मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो ब्लड प्रेशर को मैं यहाँ पर टैप कर दे रहा हूँ, और ये देखिए दोनों के ब्लड प्रेशर को हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ आपके सामने हो रहा है, तो एक वीडियो लाइक ज़रूर बन, तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए 124 और 81 आ गया इयोन में, और 113 और 74, तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी मतलब कि अच्छी नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों को हेल्थ इक्विपमेंट से अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं इसको टेस्ट करूंगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो एक्यूरेसी किसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग अदर SpO2 को चेक करते हैं। अब फ्रेंड्स ये रहा SpO2, इस पर भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं SpO2 को, तो SpO2 में देखते हैं कि क्या डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है। भाई ये देखिए 98 98 दोनों में एकदम सही है। ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आया था, लेकिन हार्ट रेट और SpO2 में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रीथ मोड को भी टेस्ट कर लेते हैं, तो ये रहा ब्रीथ मोड, और ये रहा ब्रीथ मोड इसका, तो दोनों को स्टार्ट, और अभी देखिए
सांस थोड़ी सी और यहाँ पे हो चुकी है, तो ये देखिए मैंने 3 बार लिया, 4 हो गया, 4 हो गया भाई, ये देखिए 5। तो कहीं ना कहीं ब्रीथ मोड भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी फ्रेंड्स इन दोनों में आपको देख सकते हो एआई यानी कि वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट जो है दिया गया है, तो आप गूगल के साथ साथ सीरी को जो है आप इजिली एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट कराऊंगा, साथ ही साथ में वेदर का भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए वेदर फॉरकास्ट का दिया गया है। और ये फ्रेंड्स रहा एक्सरसाइज का मोड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉकिंग रनिंग, तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 60 देखने को मिल जाएंगे, तो ये देखिए 60 दिए गए। कुछ आपको डाउनलोड भी करना पड़ जाएगा ऐप से, तो यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा, तो कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ये देखिए भाई पसीना चू रहा है नीचे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमन स्पेसिफिकेशन जो है वो है अलार्म, प्लेयर, टाइमर, ये सब आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे गेम, फाइंड माई डिवाइस, टॉर्च, फ्लैश लाइट, ये सब आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग को चेक कर तो लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा। यहाँ पे देखिए जब ऐप को आप लोग ओपन करोगे तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए यौन का दिया है और वॉइस रोम का, तो मैं वॉइस रोम का कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने टेस्ट किया था। अभी इसको टेस्ट करते हैं, तो अभी देखिए ये वाइब्रेट हो गया और ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंपली लिखा हुआ है रिमूव। अब हम लोग कॉल को करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्लियर आ गया। फेवरेट कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ से मैं एक किसी को ऐड करता हूँ, टिंकू भाई अपना है, तो उनको मैं कॉल करता हूँ। ये दोनों ऐड मैं कर दे रहा हूँ और यहाँ से डन मैं कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ऐड हो चुका है और ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है। कॉन्टेक्ट जो जितना चाहे आप उतना कॉन्टेक्ट अपलोड कर सकते हो। पिंकू सर को फोन लगाते हैं से। हाँ पिंकू सर, कहाँ पे हैं आप? आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आपको? मतलब नहीं कि कोई ऐसा नहीं है कि आवाज फस फस के आ रही है या सुनाई दे नहीं दे रहा है आपको? अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना एकदम क्लियर, और आपकी भी एकदम आवाज क्लियर आ रही है। मैं स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ। हाँ तो यही मैं टेस् ट करने के लिए अभी बस आपको कॉल लगाया हूँ कि आवाज मेरी क्लियर जा रही है कि नहीं। ठीक 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 तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, पिंकू सर बोले कि आवाज़ एकदम क्लियर जा रही है मेरी भी और उनकी भी, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और हट जाओ, और इसका तो मैंने टेस्ट किया था, ये भी अच्छा ही है। तो सो गाइज ये कुछ स्पेसिफिकेशन रहा इन्हीं दो स्मार्ट वॉच का। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। जो भी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप कौन सा परचेस करना चाहोगे, या आपके पास कौन सा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे पास तो यहाँ पे दोनों हैं। और मैं एक पते की बात बताऊँ कि ये मुझे 1 रुपये का मिला है, तो मैं रिसिप्ट दिखा देता हूँ। एम्ब्रेन वॉइस रोम 1 रुपये का मैंने परचेस किया भाई, 1 रुपये का, और ये मैंने 50 पेन से लिखा हुआ है, 1 रुपये का मैंने परचेस किया, 0.15 GST लगा हुआ है और 1 रुपये का मुझे मिला है। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने अनबॉक्सिंग यहाँ देख ली, कंपैरिजन भी देख लिया होगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनके डिजाइन में आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप डिजाइन के बेसिस पे परचेस करना चाहोगे तो आप दोनों में से किसी को परचेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी डिजाइन पसंद आती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको स्पेसिफिकेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस जो है दिया गया। जो कि मेन अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें वो आपको दोनों में दिए गए, यानी कि आपको बहुत ही कॉमन स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे इन दोनों में। बस यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया वो है यहाँ पे डिजाइन का। तो अगर आपको जो भी डिजाइन पसंद आती है उसको परचेस कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा और डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है, बाकी यहाँ सब कुछ यहाँ सेम दिया गया। और राइस सेगमेंट को डिस्कस किया जाए तो एम्ब्रेन वाइज इन स्मार्ट वॉच की करंट प्राइस है 2000 रुपए या 2400 रुपए भी मिल रही है, लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी 1499 रुपए में लॉन्च हुई, तो काफी डिसेंट प्राइस पे ये स्मार्ट वॉच मिल रही थी। तब ये मैंने परचेस किया था तो काफी अच्छा था, लेकिन अगर आप अभी परचेस करोगे तो थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन उतना कॉस्टली नहीं है जितना चाहिए, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। और बात करें रोम की तो ये भी आपको 1799 रुपए मिल जाएगी, लेकिन अभी क्या है 2499 रुपए में मिल रही है। तो अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही स्मार्ट वॉच आपको अच्छे खासे दाम पे मिल जाएगी एकदम सस्ते में, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी तब भी आप परचेस कर सकते हो, लेकिन वेट कर लीजिए तो आपका बहुत ही पैसा सेव हो जाएगा। और मैं ऐसे वियरेबल प्रोडक्ट के कूपन वगैरह भी देते रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ कंटेंट लेकर आते रहता हूँ, साथ ही साथ कोड भी देते रहता हूँ।
तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, क्योंकि मेरे पास करंट में अभी फायरबोल्ट रिंग प्रो का कूपन है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 30% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। तो समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना होगा। तो बस यही थी पूरी वीडियो इन्हीं दो स्मार्ट वॉच के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आती रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ने अनबॉक्सिंग टेक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।